आजा सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजा सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। खयामत से कम नहीं आज की रात, गुरुवार को सूरज उगने का सबको है इंतजार। सांसें थामे बैठा है विपक्ष, भाजपा में जश्न। तैयार है मनेर का 1001 किलो लड्डू, 3 क्विंटल गुलाल। लाखों के पटाखे भी छोड़े जाएंगे, राजधानी रांची में विशेष तैयारी। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज के खबर विशेष में हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना की तैयारियों और इसे लेकर राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों की बेचैनी की। गुरुवार की सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी और ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा भी खुल जाएगा। इसे लेकर प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थकों और राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ गई है। उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें थक थक बज रही है। वहीं एग्जिट पोल के अनुमानों से उत्साहित भाजपा जीत को लेकर तैयारियों में जुटी है, जश्न की तैयारी हो रही है। उधर विपक्षी खेमे में एग्जिट पोल को लेकर अविश्वास है। उसका साफ मानना है कि परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत होंगे। विपक्ष को पूरा विश्वास है कि चमत्कार होगा। पेश है प्रत्याशियों की मनोस्थिति और राजनीतिक दलों की तैयारी पर हमारे सिटी एडिटर राजीव की रिपोर्ट। बुधवार की रात पूरे देश समेत झारखंड के लोगों खासकर राजनीतिक दलों के लिए खयामत की रात है। करीब 2 महीने के प्रचार अभियान और मशक्कत के बाद प्रत्याशियों ही नहीं उनके समर्थकों को भी बस इस बात का इंतजार होगा कि 23 मई का सूरज उगे और जल्द से जल्द पता चले कि उनकी मेहनत कितनी कामयाब हुई। बुधवार की रात के गर्भ में ऐसे कितने सवाल हैं जिनका जवाब 23 मई की सुबह से मिलना शुरू होगा। देश में किसकी सरकार बन रही है, झारखंड की किस सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जिसे हमने वोट दिया वो प्रत्याशी जीत रहा है या हार रहा है, ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाबों की तलाश आज की रात न जाने कितने लोगों की नींद उड़ा कर रखेगी। एग्जिट पोल के बाद एनडीए फिर से सरकार बनाने का सपना देख रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं को भी बड़े उलटफेर की उम्मीद है। वहीं छोटे दल भी किंग मेकर बनने की संभावनाएं तलाश रहे होंगे। लेकिन 2 महीनों से झारखंड की सियासी फिजा में तैर रहे सवाल अंतिम रात लोगों को और भी ज्यादा विचलित करेंगे। उनका जवाब गुरुवार को ही मिल सकेगा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर वैसे तो हर झारखंडी की निगाहें हैं, लेकिन किस्मत आजमा रहे 229 उम्मीदवारों का दिन का चैन गायब हो गया है और रात की नींद उड़ी हुई है। इसमें 95 उम्मीदवार निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं। झारखंड की कमोबेश सभी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, लेकिन इसमें से जीत महज 14 के हाथ ही लगनी है। लेकिन गुरुवार की सुबह ये जानने की बेकरारी हर प्रत्याशी में होगी कि मतगणना के इस गुरुवार वो गुरु बन पाएंगे या नहीं। बहरहाल ये रात प्रत्याशियों के लिए खयामत की रात होगी, लेकिन मतदाताओं के लिए ये रात उम्मीदों और आशंकाओं दोनों की रात है। उनके दिल में उम्मीद होगी कि नई सरकार देश में नया बदलाव लेकर आएगी, तो वहीं ये आशंका भी कि कहीं सत्ता दूसरे के हाथों में न चली जाए। ये रात खासकर प्रत्याशियों के लिए कहीं ज्यादा भयावह होगी, जब शायद उनका दिल कहेगा, एक हुक सी दिल में उठती है, एक आह जिगर में होती है, मैं रात को उठकर रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। सर्वाधिक वोटिंग से भी उड़ गई हैं निंदिया रानी। झारखंड में 4 चरणों में वोटिंग की बरसात के कारण भी प्रत्याशियों की नींद गायब है। 14 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा दुमका में 71.97% वोट पड़े। वहीं धनबाद में सबसे कम 60.37% मतदान हुआ है। धनबाद को छोड़कर सभी लोकसभा क्षेत्र में 64% से अधिक मतदान हुआ है। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 4 सीट कोडरमा, खूंटी, हजारीबाग और रांची में 6 मई को हुआ। दूसरे चरण में 65.99% मत पड़े। तीसरे चरण में 65.42% मतदान हुआ। अंतिम चरण के चुनाव में झारखंड में रिकॉर्ड 70.50% मतदान हुआ। झारखंड में पिछले चुनाव की तुलना में विभिन्न लोकसभा में 8% तक वोट की वृद्धि हुई है। 95 निर्दलीय समेत 229 उम्मीदवारों की किस्मत है ईवीएम में लॉक।
14 लोकसभा सीटों पर 229 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से 95 निर्दलीय हैं। सबसे अधिक 26 उम्मीदवार चतरा सीट से हैं, वहीं सबसे कम 9 उम्मीदवार सिंहभूम से हैं। झारखंड में प्रति सीट उम्मीदवारों की औसत संख्या 16.35 है। ये राष्ट्रीय औसत 14.8 से अधिक है। देश भर की लोकसभा सीटों पर सबसे अधिक 435 प्रत्याशी भाजपा के हैं, वहीं कांग्रेस के 420 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशियों की संख्या के लिहाज से बहुजन समाज पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके 383 उम्मीदवार विभिन्न सीटों पर खड़े हैं। एग्जिट पोल के बाद जहां एक ओर भाजपा जोश में दिख रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन यानी झामुमो झाफीमो कांग्रेस और राजद को उलट फेर की उम्मीद है। स्थिति यह है कि एक ओर जहां विपक्ष सांसें थामे बैठा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने जश्न की पूरी तैयारी कर ली है। जश्न की तैयारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मशहूर मनेर का 1001 किलो लड्डू तैयार करा लिया गया है। वहीं 3 क्विंटल गुलाल भी भाजपा कार्यालय पहुंच गया है। साथ ही लाखों के पटाखे का भी ऑर्डर दे दिया गया है। तैयार हो भी क्यों नहीं, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सत्ता की खमान एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा के हाथों में जा रही है। इसी कारण झारखंड समेत पूरे देश में जश्न की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी कमर कसकर उम्मीद का दामन थामे हुए है। उसे उलट फेर की उम्मीद है। वो मान रहा है कि गुरुवार मोदी सरकार का अंतिम दिन होगा। यही कारण है कि पार्टी या प्रत्याशी के स्तर से अब तक उस तरह की कोई खास तैयारी तो नहीं है, लेकिन रिजल्ट का रुझान जैसे जैसे उनके पक्ष में आता जाएगा, झट से तैयारी मुकम्मल करने को लेकर पार्टी और उम्मीदवार तैयार बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में अब महज चंद घंटे का समय शेष है। गुरुवार को जनता के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ लगी है। झारखंड की 14 सीटों का सिरमौर कौन होगा, किस पार्टी का जनाधार बढ़ा है, या फिर कौन पार्टी इस सियासी दंगल से एग्जिट हो गई है। परिणाम जो भी हो, एग्जिट पोल भी अपना संकेत दे रहे हों, लेकिन भाजपा ने अपनी जीत सुनिश्चित मान ली है, क्योंकि भाजपा का खत्म तो यही इशारा कर रहा है। जी हाँ, भाजपा के प्रदेश कार्यालय से लेकर होटल तक तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कार्यकर्ताओं ने मोदी कोट, जैकेट, शर्ट, टोपी भी खास तौर से तैयार कराया है, ताकि 23 मई को आने वाले परिणामों के साथ ही जीत का जश्न किसी भी कीमत पर फीका नहीं पड़े। रांची के हेहल स्थित होटल मनेर में 1001 किलो लड्डू बनाने की तैयारी चल रही है। मनेर के लड्डू के बारे में कहा जाता है कि स्वाद से लेकर खुशबू तक सबको भाता है। तभी तो पटना से आरा जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले मनेर में कमोबेश हर गाड़ियों का ब्रेक मनेर का लड्डू खरीदने के लिए लग जाता है। गुरुवार को राजधानी में भी मनेर के लड्डू का स्वाद भाजपाइयों को मिलने वाला है, ये उन्होंने तय मान लिया है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।